हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरुगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी ज़िंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वल शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरुगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी ज़िंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वल शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं।
यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में
खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का
निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वल शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह
दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वेंस से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है।
सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, वहीं वे पहले अपनी ज़िंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वल शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, वहीं वे पहले अपनी ज़िंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वल शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है।
वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वेंस से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है,
इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि
वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वही अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वही अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय
ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वेंस से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वेंस से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे।
पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि
यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है। इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है। इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है।
वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वहीं वे पहले अपनी जिंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कर दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में
सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, वहीं वे पहले अपनी ज़िंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वल से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सलमान खान की फिल्म सिकंदर से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सलमान खान और निर्देशक एस मुरगन दास ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका नाम सिकंदर है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में फिल्म का शूटिंग शुरू हो चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म की टीम 1 जुलाई को अपना पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। वहीं अब सलमान खान की फिल्म के बारे में और एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिकंदर में सलमान खान धौरी किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगस्त में इस फिल्म का एक एक्शन शेड्यूल भी शुरू होने वाला है। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म में एक व्यवसायिक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जहां उनके किरदार को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, वहीं वे पहले अपनी ज़िंदगी में एक दबंग भी रह चुके हैं, इसलिए फिल्म में वह दोहरी जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम अगस्त महीने में एक भव्य एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए कमर कस लिए है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का निर्माण लक्ष्य एक्शन सीक्वेंस से भरपूर फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करना है। हालांकि वे मुख्य अभिनेता को एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। पहले शेड्यूल में अभिनेता ने एक निजी चार्ट प्लेन में खलनायक के बेटे के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया है। खलनायक की भूमिका बाहुबली फेम अभिनेता सत्यराज ने निभाई है। बॉलीवुड के भाईजान अपना सारा समय ध्यान सिकंदर पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमा घर में आने वाली है, इसलिए सलमान खान ने पिछले 2 महीने से कई अन्य प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। शायद यही वजह है कि वे रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भी OTT वर्जन को होस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में वह व्यस्त थे।